साले का ठोकेगा ठोकेगा तू। वैसे बताया नहीं भाई को चोरी की है। सो है गाइस एकदम फिर। वैसे यार इतनी ठंड नहीं है और ये ना थोड़ी फैशनेबल वाली हुडी है, ठीक है। मतलब ठंड होती है रात को होती है, और अभी मेरे को जाना अपने दोस्त के पास। अब चलो वो तो बात पूरी कहानी, स्कूटी पे चलते मोटर व्लॉग के जरिए बात करते। बाकी यार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ ऐसी हुडी ना मेरे को और लगता लेनी चाहिए, क्यों ऐसे भाई पे तुम्हारे अच्छी लगती है। एंड चलते फिर सीधा गड्डी थे अपनी प्रीतो दे मिलते सीधा। सो हियर्स माय प्रीतो। भाई गंदी हो गई है, इसका भी सर्विस का टाइम आ गया, क्योंकि पता लग जाता अपनी गाड़ी को क्या चाहिए एग्जैक्टली। सत्यम श्री वाहिगुरु 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 बाबा जी सदंग संग सहरा ततार जियो। एंड गाइस माइंड मत करना, मैंने सेल्फ स्टार्ट करी है। आज थोड़ा सा ना आलस आ रहा था, जो मेरा बैकपैक है उसको मैं आगे कर लेता हूँ, समझ रहे हो ना, सेफ्टी पर्पस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जो आज का जो व्लॉग होने वाला है बड़ा ही शानदार होने वाला है, साथ के साथ जिस बंदे के साथ मैं शानदार इसलिए होने वाला है क्योंकि वो बंदा ही शानदार है। और साथ के साथ क्या जो बंदे से मिलने जा रहा हूँ ना, आप उसके बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हो, आपने पहले भी देखा है। और उस बंदे का डायलॉग मैं इतना काट दूंगा ना, तब भी उसका वो जो पैड और मेन होता ना पंच लाइन उसकी आएगी। जितना मर्जी मैं कटिंग करके वो नहीं सुनाना चाहता ना, तब भी बंदे की आ ही जाती है। पैड डायलॉग है वैन डैश, आगे नहीं बोलूँगा मैं, समझो। उसका जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है ना, सब्सक्राइबर्स नहीं जो मेरे पुराने फैमिली के मेंबर हैं, उन्हें ज़रूर पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें कि हम कैमरा फेस्टिवल जाते हैं फोटो वीडियो एशिया में, तो वहाँ पर ओ भाई ट्रैफिक पुलिस वाले ने मतलब गाड़ी रोक ली यार, अच्छी बात है। आगे भी पुलिस वाले इतने हैं। मिरर तो बंद कर रखे साइड है, पुलिस वालों ने भी। मैं बात कर रहा था आपके साथ, तो फैमिलियर हो भी चुका है, मेरी फैमिली के साथ भी वो फैमिलियर हो चुका है इतना। मेरे घर वाले भी जानते भैया, अच्छा इस लड़के के साथ जा रहा है, जोक से पार्ट। लेकिन हाँ बंदा बढ़िया है, शानदार है, तो उस बंदे का थोड़ा नाम बता ही देते यार, जय किशन आयुष अग्रवाल। जा रहे हैं उसके पास मिलने, ठीक है। भाई को चाहिए हेल्प, उसकी यार स्कूटी की बैटरी होगी डाउन, ठीक है, और इसकी स्टार्ट नहीं हो पा रही स्कूटी। अभी वो है दल्लूपुरा में, भाई का फोन आ गया था स्कूटी टो करके यहाँ पे लेके आनी है अपने टाउन में, तो उसके पास इंतजाम है गाड़ी को बांधेंगे कि गाड़ी को टो करते हुए यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। बाकी देखो और एक आधा प्लान भी है बाहर जाने का, बट मेरे हिसाब से आज का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि और भी काम है। एंड यार मैं अमृतसर गया था पहले, तो अमृतसर वाली वीडियो भी देख लेना क्या हो गया था। अमृतसर के आने बाद ना मैं ना थोड़ा सा बिजी ज़्यादा ही पड़ गया था, तो इसलिए ब्लॉग्स थोड़े से लेट आए थे तब। लेकिन जब मैंने अमृतसर के सारे ब्लॉग डाले थे तब कंटिन्यूसली थे, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, मतलब अच्छी लगेगी आपको आई एम श्योर। हर किसी को, मुझे क्या हर किसी को ही अच्छी लगेगी वो वीडियो, क्योंकि इतनी मेहनत से बनी है, इतना प्यार मिलता है आप सभी से। और गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा ना, वहाँ पे भी फॉलो कर ही लो, क्योंकि यूट्यूब पे ना यार अपडेट देना बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाद में आता है। लेकिन अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो फटाफट 2 सेकंड ही लगते हैं, फटाफट एक स्टोरी बन जाती है, आराम से अपना काम हो जाता है। और गाइस आप लोग नहीं जानते तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मैं हूँ मुसाफिरों का मुसाफिर, यारों का यार, आप सभी का जल्दार आगे नई वीडियो लेके गाइस। सो गाइस मेरा नाम सनी है, ये मेरी प्रीतो है, और मैं डेली ब्लॉग्स करता हूँ, मोटो ब्लॉग करता हूँ, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, फिल्म मेकिंग टाइप के कॉन्टेंट, एवरीथिंग जो सराउंडिंग में चलता ना उसको एक अच्छे से नरेटिंग स्टोरी टेलिंग में मैं बनाता हूँ, ज़्यादा स्टोरी टेलिंग वाले। और जैसे कि कहीं पे किसी एक मेन पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं तो उस टाइप में मैं बनाता हूँ, सिनेमेटिक व्लॉग्स कह सकते हो आप, तो वो भी मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। मेरे को ना अच्छा लगता है काम प्यार अच्छे से बनाना, अच्छे से प्रेजेंट करना, स्टोरी टेलिंग करना, वो A to Z मैं बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है कि ऐसे आपके साथ अगर शेयर करूँ। तो आप नए हो चैनल पर तो भाई लोग जरूर आप सब्सक्राइब कर ही लो, फ्री का है, दबा डालो, ठोक डालो, जो मर्जी करो, बस फोन को मत तोड़ देना, अपने फोन को अपने बचा के रखो, ठीक है। लेकिन बटन कैसे दबाओ, मजाओ, कुछ भी करो, ठीक है, फीलिंग समझ जाओ हमारी। बाकी माइक चेकिंग फुल टू चल रही है,
थोड़ी सी ना तबीयत ढीली है क्योंकि यार जुकाम सर्दी ये सब हो रखा है, जितना भी चलो होता नहीं है, बाकी इम्यूनिटी के ऊपर भी होता है। कोई नहीं, लगता है थोड़ी सी वीक होगी ये इम्यूनिटी भी। भाजी तुम कड़ लो, असं भी चलने फिर ते डेट ते जोक सपाट, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं लोगों से, बट वो मजे मैं अपने तक रखता हूँ। ठीक है मर्सिडीज यो, इधर जाएंगे तो EDM आ जाएगा और हमने लेना है राइट। ऑडी A3 ये मेरी है, मुझे बुम 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 देख लो सुई में भी लाइट है, ऐसा फुलट मौज मस्ती है। मैंने एक चीज बड़ी सीखी है बड़े लोगों से, दूसरे के पास चल अरबों खरबों रुपए है ना, जितने मर्जी पैसे हैं कुछ भी है, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए मिट्टी समान है, मेरे लिए वो एक रुपए के भी लिए नहीं है। वो बंदे की मैं वैल्यू नहीं कह रहा, उस बंदे ने जो भी कमाया सामने वाले वो उसी का है, मेरा वो मेरे लिए मिट्टी है। आपको भी एक लेसन दे रहा हूँ, आप लोग समझदार हो यार मेरे को पता है, तो वैसे ही एक एडवाइस है फ्री की है, ले लो, बाकी मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, बाकी मेरे को पता है मेरे लवली फैमिली मेंबर्स है तो मान ही लेंगे। तो यही चक्कर है कि भाई किसी के भी जो भी बंदे ने कमाया ना वो तुम मिट्टी समझो, उसकी वैल्यू करो उस बंदे की, आपको वो नहीं देखना कि उसके पास कितना है तो अपने आप कितना आ जाएगा, छोड़ो पर यार कुछ नहीं रखा इन सब में। ठीक है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने ऐसा करा है, लोगों के पैसों के नजर डालिया, तो मैं कह रहा हूँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ, एक नॉर्मल मेरे कुछ असूल्स है, मेरे प्रिंसिपल्स है, उस पर चलते हैं, तो उनमें से मैंने आज आपके साथ एक शेयर करा। इसी बात पर ठोको ठोको सब्सक्राइब बटन ठोक दो, उठा ले फोन को, उठा जल्दी उठा यार, ऐसे टाइम पे जब लोग फोन नहीं उठाते ना बड़ी खुंदक आती है, मन तो करता कि दो चार निकाल दूं गाल, बट की कर सकते, प्रेफर नहीं करता। आप जिस व्यक्ति को कॉल, बड़ी खुंदक आती है यार जब ऐसा दोस्त, और फिर दोस्त ऐसी हरकत ना करे फिर वो दोस्त ही क्या। हमने आगे वाले मोड़ पे जाना था, बंदे ने मेरे को पीछे वाला मोड़ बताया, ठीक है अभी अभी अरे जब हम उसके पास पहुंचेंगे ना तो कहेगा नहीं मैंने तेरे को आगे वाला ही मोड़ बोला था, तो यार खुंदक आ जाती है, पर क्या करें दोस्त भी है खुशी भी मिल रही है, चलो और नाम भी देख रहे दल्लू पूरा है ये साला। अब भाई ये तो खत्म हो चुकी है, अबे खत्म नहीं हुई अभी, तू देख ले पहले से फोटो खींच ले, अब देख इसको जब नया कर दूंगा तब देखिए कैसी है। रिस्टोर करने वाला लड़का समझ गया, सही समझ गया, चल रहा तेरा कैमरा। हां हां मेरा गालियां नहीं दूंगा इस बार, देखा मैंने बोला था ना मैं गालियां नहीं दूंगा। अब इसको टॉक ऐसा करेगा तू, यहाँ लगा दो थोड़ी सी आगे करते हैं, रुको इसको बोलते देसी जुगाड़, तेरे व्लॉग जैसा अंग्रेज देखते हैं ना इंग्लिश में बोला कर, दैट्स कॉल्ड टिपिकल इंडियन जुगाड़ कर दो। आज मैं पंच लाइन नहीं बोलूंगा, समझ जाऊंगा आप इसकी पंच लाइन। आर यू रेडी, तेरा हेलमेट का ब्रेक ब्रेक चलती है ना, फिर ठीक है। चलो गाइस इतना तो है, इसकी ब्रेकें तो काम है, काम करती हैं भाई, जैसे कि पता ना बिजी शेड्यूल चलता है तो उसमें क्या भैया भाई को जॉब पे भी जाना है, 12:40 तो यही हो गया, 2 बजे तक पहुंचना भी है, तो देखो कैसे क्या करते हैं। स्कूटी वाली मतलब स्कूटी वाली बैटरी है, बैटरी वाली स्कूटी है, तो इसकी जो हाईएस्ट टॉप स्पीड है 25 से 30 ऐसी रहती है, और भाई ने बहुत टाइम पहले ली थी, लेकिन अब कह रहा था भाई इसको पूरा रिस्टोर करूँगा। भाई सही जुगाड़ कर रखा है, सही कर रखा है, टो करना इतनी आसान बात नहीं है। इसकी ना पूरी फटी बस इसकी फटी, इसका ना डर इतना लग रहा है, और इसने ना 2 से 3 बारी ठोक चुका है मेरे में ही, मतलब उतनी वो ऐसे वाले नहीं, हल्की सी टच नहीं होती वो, मैं तो बस मजा ले रहा हूँ साला, ठोकेगा तू। तो कई बार यार इतने बढ़िया बढ़िया इंसिडेंट्स होते हैं ना हंसी मजाक वाले, वो कैमरे पे कई बार रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते यार, क्योंकि वो नेचुरली जब होते हैं ना तो बंदा रिकॉर्ड करना भूल जाता है। पता नहीं भाई देवदास क्यों बना हुआ था पीछे, आ रहा है ये वही है जो सिट डाउन हो गया था, सिट डाउन वाला आपको ध्यान होगा तो पता लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं देगा तो व्लॉग देख लेना, फोटो वीडियो इंचिया वाला सिट डाउन। तो इसके करतूते देखो, चाबी खो के बैठा भाई। ओ भाई चाबी नहीं, दो दो चाबी आती है मिलने भी है। हाँ तो खो दी ना, नहीं खोने में थोड़ी आती है, मिलना नहीं खोने में भैया, दुनिया को अब
पे नहीं होएगा कुछ, पहले बहुत कुछ हो रखा है ना उसमें, बहुत कुछ बच भी गया। तो भाई ठीक होने में आ रही है ना वो, उसका नंबर आ गया बेचारी का 3 साल की वेट के बाद। साला M1 की साइकिल में इतने वो नहीं होती खराब जितने तूने स्कूटी खराब कर दी। भाई इसे कहता है मेंटेन करके रखना, 10 साल पुरानी स्कूटी है भाई, और क्या लेगा। बुम 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 बुम। अच्छा की जो लाइफ है ना वो मिनिमम 10 ईयर है। 3, 2, 1 चोरी की स्कूटी ये रहे एग्जैक्टली, ये चोरी की स्कूटी लग रही है मेरे को। चोरी की गाड़ी लेके घूमता शर्म नहीं आती तेरे को है ना? चाबी ना डॉक्यूमेंट ना हेलमेट, क्या करेगा जिंदगी में तू बेटा? जिसके पास डॉक्यूमेंट ना हो ना वो हेलमेट जरूर पहनता है ताकि पुलिस वाले ना रोके। क्या चोर बनेगा रे तू? बाबू भाई अभी से तो सीखा मैंने, अभी सीख रहे हो। हाँ तो चोरी करना अभी तो सीखे, वरना तो पुलिस वाले कहेंगे तुम तो उठा के लेके जा रहे हो, उठाई गिरे हो। मैं तो पहले बात करूं कि भैया इसको प्रोफेशनली चोर बनना है तो चाबी बनाना सिखा दो। एंड गाइस मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, 109cc जो इंजन होते हैं ना वो कम एवरेज देते हैं, अगर बात करें हम कंपेयर करें 125cc इंजन से, इसे हम बोलेंगे चोरी की स्कूटी उठा के लेके आ गए। तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था, रस्सी भी मांग के लेके आना सच से। अब इसमें 4 बैटरी लगती है। ओह माय गॉडनेस, इतनी सफाई, अब बैटरियां पूरी फूल चुकी है। 10 साल बाद जाके 10 साल बाद ही साले तो अच्छा, बैटरी वैसे भी चेंज हो चुकी है बहुत बार। वाओ, अब माँ को क्या करते 10 साल में जाके खराब होती है मिनिमम। देखो अब देख नहीं लग रही है स्कूटी, बैटरी नहीं लग रही, स्कूटी नहीं लग रही भाई। साउंड तो आ गई है ऑन की, भज के नहीं रही। 11,000 रुपये मेरे को मिट्टी होते हुए दिख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही होती है, जब पूरी नई बनेगी ना तब दिखाएंगे। तो सोनू भाई ने मतलब अपने हाथों से करिश्मा तो कर दिया, ऑन तो हो रही है, बाकी इलेक्ट्रिशियन का काम है जो एक्सीलेटर वाली जो तार होती है इलेक्ट्रिशियन का, वो काम करे। धन्यवाद, लो जी मिलते हैं भाई। बंदा बड़ा बढ़िया, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया भाई ने, थैंक यू भाई। हाय भाई मार्क दे दे। हाथ में पकड़ के कितनी गर्मी आ गई। 1, 2, 3, 4, 17, 18 नहीं करना पड़ता है, बटन दबाने पड़ते हैं। चैनल है ना मेरा ट्रैवलिंग का। अच्छा ब्लॉग है। हाँ जी हाँ जी हाँ, मतलब जो मेरी एक्टिवा है ना वो सामने, उससे मैं मनाली शिमला चंडीगढ़ पटियाला लुधियाना जलंधर, और अभी तो बहुत बहुत ऐसी जगहों पे जाना है, बहुत चक्कर है। थैंक यू। अबे नहीं सही पैसे लगाए हैं, वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा। और भाई का ऑफिस आज स्टार्ट हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम है ना, वर्क फ्रॉम होम के नज़ारे देख लो लौंडे के। अगर गाइस वर्क फ्रॉम होम करना है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इसका नंबर दे दूंगा, परेशान करते रहना इसे भाई। इसको हवाई जहाज बनाना है। हवाई जहाज बनाना है। हाँ वैसे बताया नहीं भाई को चोरी की है। भैया उठा के ले गए यूपी से इसको। भैया का यूँ हो गया, ये क्या बोल रहे, मजाक कर रहे भाई, चेक कर लेना भाई। चार्जर है तो कोई नहीं भैया, वो भी इसने चार्जर चोरी करा है। चल निकलते हैं हम अपना वर्क फ्रॉम होम के नज़ारे उठाओ ऐसे। ये ऑन ड्यूटी में दूसरी ड्यूटी कर रहा है। चल बाय।